शिवपुरी के घर में थिंक गैस पाइपलाइन में आग लग गई। इसके बाद घर में तेज धमाका हुआ, जिसके घर में मौजूद चार लोगों के अलावा दो अन्य बुरी तरह से झुलस गए हैं। धमाका इतना तेज था कि घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी दूर जा गिरी थी। दूर से ही तेज लपटे दिखाई दे रही थी। हादसा बुधवार रात 7:30 बजे फतेहपुर टॉकीज रोड पर हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर टॉकीज रोड पर बुधवार शाम को पहले सड़क किनारे आग की लपटे उठते दिखाई दी। कुछ देर बाद ही वहां एक मकान में विस्फोट होते ही आग लग गई। इसमें एक ही परिवार के चार लोग चपेट में आ गए। दो लोगों की हालत नाजुक है। आग लगने का कारण तलाशने थिंक गैस कंपनी की टीम के अलावा नगरपालिका सीएमओ भी अपनी टीम के साथ जुट गए हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज जो आग लगी है, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये कंफर्म तो कह पाना अभी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी हमने देखा, जो टीम भीतर गई थी, उन्होंने बताया कि शायद एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगी। तो भीतर तो सिलेंडर इंटैक्ट है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक ये प्रश्न भी था कि रोड की ठीक ऑपोजिट सामने आकर के जो फ्लेम 2-3 फुट ऊँचा रहा, 1-2 मिनट तक आगे रहा, उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। टेक्निकल टीम हमारी इसको देखेगी, जिसमें सीटीडी भी रहेंगे और एडीएम साहब के अगुवाई में हम इसको करें, पुलिस के भी, और साथ ही साथ जो थिंक गैस वाले हैं या हमारे जो ऑटो गैस सप्लाई वाले हैं वो भी रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि कोई जियोलॉजिस्ट भी यदि इसका हो, कि चूँकि ये संभावना मीथेन की भी हो सकती है, उसके कारण हो, या अदरवाइज जो थिंक गैस का जो लेम डाल रहे उससे संभावना होगी, तो लेकिन ये जाँच का विषय। कितने लोग सर इसमें घायल हुए? 5 घायल हुए। कोई कैजुअलिटी सर? नहीं, एक ऑडिटोरियम सीरीज से। सर जी, जो हादसा हुआ, किस कारण से हुआ और कितने लोग घायल हुए? फतेहपुर रोड में जो है उनके यहाँ अचानक विस्फोट हुआ, जिसमें कि 5 लोग, और जब वहाँ तत्काल पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच के उसको हाथ में बिठाया, तो 5 लोग घायल से पूछताछ भी है, पूछताछ में मालूम पड़ा है। 2 चीज़ें हैं, एक तो वहाँ पे एसी फटा हुआ है, यानी यहाँ तो एसी फटने से आग लगी है, और एक कोई आशंका जाहिर कर रहे हैं कि वहाँ पे गैस पाइपलाइन गई है, उससे गैस रिसाव होने से आग लगी। दोनों चीज़ों हम लोग जाँच कर रहे हैं, वहाँ पे टीम लगा दी है, तो टेक्निकल टीम लगा के जाँच कर रहे हैं। आग नहीं है, आग बुझा दी गई है, घायल है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया अच्छी तरह से, और इलाज चला। इसके अलावा सर कोई कैजुअलिटी तो नहीं है? कोई कैजुअलिटी तो नहीं है सर? कोई नहीं, अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी अभी सुरक्षित है अभी, और इसका इलाज चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।